ये मेरी बहना हुई तेरे लिए कुर्बान, शान क्यों उनका भूल गई। मेरा काए बजे एक तारा, नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं बरवाड़ा में मौजूद हूं और आज मैं आपका एक छोटा सा साक्षात्कार करवाने वाला हूं। आपको बता दें कि हरियाणा में सामाजिक गीतों को लेकर के एक गुड़िया है, वो काफी वायरल हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मुस्कान मेहरा जी हरियाणा की सामाजिक गीतों पर बड़ी पकड़ रखते हैं, तो आज हमारी विशेष चर्चा मुस्कान मेहरा के साथ रहने वाली है। सबसे पहले आपका स्वागत है। द ग्राउंड नेटवर्क देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, और चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है। मुस्कान जी, आप लगातार सामाजिक गीतों पर अपनी पकड़ जो है बना रही है, समाज में जो है नए नए संदेश आप दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे वो नशा रोकने को लेकर के नशा मुक्ति अभियान की बात हो, आपके गीत जो है वायरल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, स्टार्टिंग से ही मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं था सिंगिंग के बारे में, तो जब भी शुरुआत हुई थी ये नहीं था मतलब सामाजिक ही करना है और कुछ ऊट पटांग है, जैसे बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो फैमिली बैठ के नहीं सुन सकते, तो इसलिए सोचा कि समाज में ही कार्य करना है। गीत भी गाएंगे तो सामाजिक ही गाएंगे, उससे अलग कुछ नहीं है। महिलाओं की जागृति के लिए भी आप लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखें तो देश में महिलाएं हैं वो अंधविश्वास में जकड़ी हुई है, तो उन महिलाओं के लिए आने वाले समय में क्या कुछ आपके सॉन्ग आएंगे या महिलाओं को किस प्रकार आप जागृत करने का काम करोगे? बिल्कुल आएंगे सर, और आ भी रहे हैं। अगर मेरा जो भी सॉन्ग आया है तो वो अंधविश्वास से निकल कर ही, अंधविश्वास से ऊपर उठ कर ही आया है, तो मैं तो स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे जैसी बहनों को, महिलाओं को यही संदेश देती हूँ कि भाई अंधविश्वास से बाहर निकलो, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया है उसको पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनको जानो। जब तक हम हमारे महापुरुषों को नहीं जानेंगे हमारा विकास हो ही नहीं सकता। कोई एक दो ऐसा आपका गीत जो आप हमें गुनगुना करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों तक, जो महिलाओं की जागृति के लिए आपने गाया हो? मेरे गुरुजी है मास्टर प्रवीण बड़ती जी, उनका लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा गीत है। हे मेरी बहना हुई तेरे लिए कुर्बान, शान क्यों उनका भूल गई। हे मेरी बहना हुई तेरे लिए कुर्बान, शान क्यों उनका भूल गई, शान क्यों उनका भूल गई, शान क्यों उनका भूल गई। हे मेरी बहना हुई तेरे लिए कुर्बान, शान क्यों उनका भूल गई। तो ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, जिसे मतलब हमारी जो महिलाएं हैं वो मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि सामाजिक होने के नाते कि काली होगी, दौड़ी होगी, फलानी माता होगी, धिकड़ी माता होगी, इनको तो याद रखते हैं, व्रत भी याद रखते हैं कि सोमवार ने इस चीज का व्रत है, मंगलवार ने इस चीज का व्रत है, लेकिन हमारे लिए जो महिलाओं, जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, उनका पता ही नहीं है। झलकारी बाई है और फूलन देवी बहन है, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन ये सबको पता है कि उस दिन यो बरता होगा, उस दिन फलानी माता का बरता होगा, धिकड़ी माता का बरता होगा, पता नहीं क्या मतलब सोच बना के बैठे। और वही है कि हजारों साल की गुलामी है, हमें फसाया ही इस जाल में गया है, तो इतने सालों की गुलामी एकदम से तो नहीं हट सकती। वही है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं हैं सभी को हम हमारे महापुरुषों के बारे में बताएं अपने गीतों के माध्यम से। मुस्कान जी, अभी तक आपके कितने गीत जो हैं मार्केट में आ चुके हैं? सॉन्ग सर मतलब इतना तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग सॉन्ग स्टार्टिंग से ही मैं लाइव करती थी, सिक्स क्लास में थी उस टाइम से मैं लाइव कर रही हूँ। अभी 1.5-2 साल से रिकॉर्डिंग सॉन्ग आए हैं, लगभग 20-25 सॉन्ग ही होंगे, ज्यादा नहीं है। आगे का क्या टारगेट रहेगा आपका? टारगेट तो यही है मतलब आर्टिस्ट ही बनना है सर, और सामाजिक ही करूंगी आगे, जितना भी करूंगी सामाजिक करूंगी, इससे अलग कुछ नहीं। आजकल हम ये जिक्र चल रहा है, कहीं फिल्म इंडस्ट्री है, हरियाणवी इंडस्ट्री है,
तो आप सिर्फ सामाजिक गीतों पर ही पकड़ बनाए रखेंगे आप? हाँ जी, सामाजिक पे ही, मतलब ये नहीं है कि कुछ हरियाणवी इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री है, अगर कोई अच्छा गीत होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि उठपटांग कुछ भी गाएंगे, ये ऐसा तो नहीं है। मुस्कान जी, आपके कहने का मतलब है आपकी कलम चलेगी वो सामाजिक गीतों पर चलेगी, आप समाज में जागरूकता का संदेश निरंतर दे। जी सर जी। इस वक्त जो महिलाएं, जो बेटियां आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहूँ? मैसेज तो यही है सर कि पहली बात तो अंधविश्वास से बाहर निकलो और ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे फोकस करो, और अपने माँ बाप के दिल में, अपने माँ बाप के मन में एक विश्वास बनाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो घर में ही रहती हैं और माँ बाप बाहर नहीं भेजते, तो उनको मैं स्पेशली यही बोलूंगी कि माँ बाप भी ये बात ध्यान रखें कि उनके बेटा है, उनकी बेटी, जरूरी है कि बेटियां, बेटा भी है और बेटी भी है, तो जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है उस चीज में आगे निकाले। अगर परिवार ही सपोर्ट नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे? अगर उनके अंदर कुछ कला है और परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो दबे के दबे रह जाएंगे। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और बच्चे हैं जो वो भी अपने माँ बाप को विश्वास दिलाएं कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे और हमेशा आपका नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मुस्कान मेहरा, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गई है, और चर्चा का विषय इसलिए बन गई है कि उन्होंने अपने सामाजिक गीतों के अंदर जो महिलाओं को जागृत करने का काम किया, युवाओं को जागृत करने का काम किया है, वो अपने आप में एक गर्व की बात है कि महज एक छोटी सी उम्र में ये जो लड़की है ये पूरे प्रदेश में युवाओं को, महिलाओं को जागृत कर रही है। और इसके अलावा इन्होंने एक बात स्पष्ट कह दी कि आने वाले समय में अगर इनके गीत आएंगे तो वो सिर्फ सामाजिक गतिविधियों पर ही आएंगे, न कि ये किसी हरियाणवी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, इन्होंने वहां पर जाने का स्पष्ट जो है मना कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री या हरियाणवी इंडस्ट्री सामाजिक गीतों पर कोई भी गीत जो बनाते हैं तो मैं उनका सपोर्ट, सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज मैं उस फील्ड में नहीं जाऊंगी। तो ये बरवाड़ा के अंदर हमने आज आपकी मुलाकात जो है मुस्कान मेहरा से करवाई है। अगर ये आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।